यहाँ पे ये देखो मकान सारे डूब गए हैं पानी में। यहाँ कम से कम 10 फीट लगा होगा पानी। NDRF वाले हैं ना? अच्छा ये अच्छा ये यूपी की हैं सारी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको मैं आज अपडेट देने वाला हूं। दिल्ली में आई है भयानक बाढ़, जो 42 सालों के बाद एक रिकॉर्ड बना दिया है यमुना नदी ने। और जो है यहां पे जो खतरा लेवल जो है 208, ये भी एक तरह से इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाढ़ कितना भयानक आया हुआ है दिल्ली में। अभी आप देखो यहाँ पर, देखो जितना भी पानी दिख रहा है ये सब बाढ़ का पानी हुआ है, ये सब बाढ़ का पानी है। ये सब बाढ़ का पानी, यहाँ सब गाड़ियाँ रोक रोक के जो है बाढ़ देख रहे हैं। ये सारे टेंट लगा के यहाँ पे सेफ जोन में आके ये सुरक्षित यहाँ पे रुके हुए हैं सड़क की ऊंचाई पे। ये देखो सारे ये जो है यहाँ पे इन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। ये अपना अपना टेंट लगा के यहाँ पे छप्पर का ये सारे रुके हुए हैं। जो बीच में सब्जी उब्जी का काम करते थे वो हैं ये सब। अभी मैं जिस रोड से चल रहा हूँ, अगर ये रोड नहीं होता तो ये जो बाढ़ का पानी है इस रोड को क्रॉस करके मयूर विहार फेस 1 में चला जाता। ये एक बांध का भी काम कर रहा है और एक सेफ्टी का भी इन्होंने ये रोड जो है दे रहा है लोगों को। और जो बाढ़ में ये जो सेंटर में जो खेती बाड़ी करते थे वहाँ पे ये सब रहते थे अपना जो है घर बना बना के, और मजदूरी भी करते थे, वही सारे ये आके रोड पे आके ये बसे हुए हैं। और जो इनको जो है शरण लेना पड़ा है, ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे शरण लेना पड़ा है। आप साइड में देखिए, ये सब अपना जो है सारा घर का सामान ले आके यहाँ पे जो है अपना एक टेम्परेरी स्थान इन्होंने चुना है। ये यहाँ की बाढ़ की स्थिति है, सभी लोग देखो सारी फैमिली यहाँ पे आके रोड के नीचे सोए हुए हैं। ये खाने की लाइन लगी हुई है, देखो खाने बट रहे हैं। यहाँ पे देखो सारी फैमिलियाँ रोड से रोड के किनारे किनारे आके अपना जो है सरकार ने जो भी इनका सोने का ये जुगाड़ किया हुआ है। देखो ये स्थिति है, काफ़ी ख़राब स्थिति है यहाँ पे। ये सब पानी भर गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब खेती बाड़ी होती थी बहुत बढ़िया, यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती थी, सब पानी में डूब गया। यहाँ पे ये देखो मकान सारे डूब गए हैं पानी में। यहाँ कम से कम 10 फीट लगा होगा पानी, कम से कम 10 फीट पानी लगा हुआ होगा। यहाँ पे कितने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वो परेशान है, यहाँ पे कितने लोग एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, दिखाने आ रहे हैं फैमिली के साथ, देखो बाढ़ कैसे आता है। हर तरीके का यहाँ पे एंजॉय लोग ले रहे हैं और बाढ़ देख भी रहे हैं लोग आके। और कहते हैं दिल्ली में तो 42 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली में तो कभी बारिश होती नहीं, और यहाँ बाढ़ भी आ जाती है, हर साल बाढ़ आती है और बारिश होती नहीं दिल्ली में। हाँ ये ज़रूर है कि पहाड़ों में जो खूब बारिश होती है वो बारिश जो है यहाँ पे अपना असर ज़रूर दिखाती है बाढ़ के रूप में। और ये रोड जो जा रहा है ये ज़्यादा है, अभी निर्माणाधीन ये हाईवे है, ये जाके मिल जाएगा सराय कालेखा की तरफ, और ये अभी जो वहाँ से बन रहा है यहाँ से ये जा रहा है, काफ़ी अच्छा है, बीच में एक पुल भी बन रहा है। NDRF वाले हैं ना? अच्छा ये अच्छा ये यूपी की हैं सारी। अच्छा उनको ले जाने के लिए बुला आ रहे हैं ना? अच्छा उनको निकालने के लिए इससे निकाल रहे हैं, काफ़ी पानी भर गया है यहाँ पे।
और ये देखो सब डूब गया है। ये जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही सारा पानी पानी एकदम भर गया है। यहाँ पे कम से कम 10-8-9 फीट पानी होगा यहाँ पे। और ये रोड जो है अभी यहीं तक बन के रुका हुआ है, आगे उधर से आके रुका हुआ है, फिर ये कुछ दिन बाद ये अटैच कर देंगे और आगे एक नया पुल बना हुआ है। ये सब पानी में डूब गया है, आप देखो जहाँ तक नज़र आ रही पानी 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 एकदम पानी से भर गया है। अब इनको रेस्क्यू करके निकाल लें, यहाँ से निकाल लें सामने, और अंदर से पानी निकालने का ऑप्शन नहीं है इनको निकलने का। अब ये पुल से ही लिफ्ट किए जा रहे हैं कुछ सामान यहाँ पे। बास कहाँ गया? जरा यहाँ लक्कड़। अरे आ जाओ, लक्कड़ है ये, है कि लक्कड़ है कि अरे आओ, और कोई रास्ता नहीं है ना निकलने का? रास्ता तो है। अच्छा, अरे ओए सारे रास्ते में ये है तो फालतू, यही एक ऑप्शन है इनके लिए। आप लोग तभी देख रहे हो भैया, ये है सब देख लो, परेशान हो रहे हैं। ये झोपड़ी यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने रोड पे। हेलो, दोबारा गेस कराए क्या? अभी यहाँ से आपको ऊपर लेके चलते हैं इस फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर से दिखाते हैं कि ऊपर का व्यू कैसा दिखता है। इस फ्लाईओवर से खूब अच्छा वो व्यू दिखता है। ये देखो ये सारे जो कैंप लगे हैं, टेंट लगे हैं, ये सब जो बाढ़ में फंसे हुए थे, जो डूब क्षेत्र में रहते थे, वही सब। जिधर देखो पानी पानी, सारा पानी भरा हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और अपना सुझाव ज़रूर दें।